बड़े भाग मानस तनु पावा। ये पहला प्रताप है, पहला भाग है मनुष्य तन पाया। अच्छा विचार करो, भैंसिया बने होते तो क्या कथा सुन रहे होते? तो ये भाग्य नहीं तो क्या है? बड़े भाग मानस तनु पावा। अच्छा दूसरा भाग क्या? दूसरा भाग बोले बड़े भाग पायई सत्संगा, ये भी दूसरी कृपा। अच्छा सत्संग भी सबको नहीं मिलता, जिन्हें भगवान चाहे उन्हीं को मिलता। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में वर्णन, बिनु सतु संग विवेकिना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जगता, और सत्संग भी बिना राम जी की कृपा के नहीं मिलता। अच्छा ये आपका तीसरा भाग है। पहला भाग मानव जन्म, दूसरा भाग सत्संग मिला, और तीसरा विदेशी धरती पे मिला। भारत में मिलना सरल है भाई, भारत में तो किसी भी कोने में चले जाओ कुछ नहीं तो रामायण मिलेगा। सीताराम 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 कहिए, जाइए बेदर आके राम ताई बेदर आइए बैठो। अच्छा क्या हो रहा है? कथा हो रही है, लेकिन यहां तो कभी कभी होती है। भगवान जब बड़ी कृपा करते, योजना बनाते, तब जाकर के होती है, होती भी है। तो अच्छा कथा होना बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा कथा में होना बहुत बड़ी बात है। कथा में होना बड़ी बात नहीं, पर तुम्हारा कथा में होना तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग हमें मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, गुरु जी हम तो कथा में बैठे थे, अभी बाहर मिले। गुरु जी कल तो हम कथा में बैठे थे। हमने एक से पूछा कि तुम तो कथा में बैठे थे, कथा तुम में बैठी? तुम तो बैठे थे पर तुम में कथा बैठी कि नहीं? बैठी तो है ठटरी के मरे। अगर कथा बैठ गई होती तो तुम पर यहां बैठी होते? विचार करो, जिनके अंदर कथा बैठ जाती वो यहाँ बैठ, फिर गुरु जी कहाँ बैठते हैं? जिनके अंदर कथा बैठ जाती है वो फिर कथा में नहीं बैठते, कथा उनमें बैठती है। अच्छा फिर वो बोल नहीं पाते, ऐसे समझो स्विमिंग पूल में तो तुमने नहाया होगा, और नदी में तो कह नहीं सकते, यहाँ तो पूल ही में नहाते। कल रात को माता जी हमें घुमाने ले बाद, तो स्विमिंग पूल में तो नहाया होगा। स्विमिंग पूल गहरा हो और कोई डूब जाए तो क्या डूबने वाला बोल पाता है? बोलो जोर से बोलो। अच्छा बोलता कौन है, चिल्लाता कौन? जो नहीं डूबा, जो यहां से डूबा। कौन नहीं बोल पाता? जो डूब जाता वो बोल नहीं पाता, और जो नहीं डूबा वो चिल्लाता, अरे बचाओ बचाओ डूब गए। ठटरी के बरे कहां डूब गए? अगर तुम डूब गए तो चिल्ला कैसे रहे? जो डूब जाता वो बोल नहीं पाता, जो नहीं डूबता वही चिल्लाता है। इसी प्रकार अगर कोई कहे कि हमने हनुमान जी को पा लिया, समझ लेना हलुआ नहीं पाया, क्योंकि पा लिया होता तो फिर बोलते नहीं है, फिर तो बुरा ना मानना। एक बहुत प्राचीन परंपरा की चर्चा है, जिसको मोहब्बत हो जाती है उसकी फिर वाणी नहीं बोलती, उसकी तो आंखें बोलती। तो भगवान की बड़ी कृपा हनुमान जी की, हम लोग बैठे हैं, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ के श्रोताओं का क्या कहना? हमें आज हॉल समझ में आया हो कि हम बिल्कुल नीचे हैं, चारों तरफ से गर्दन बिल्कुल जिराफ जैसी हम हिला रहे, तब जाकर के आप लोगों के दर्शन हो पा रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसी कथा हम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको। कल हम यहाँ से जाने के बाद दो तीन लोगों ने हमसे फोन से पूछा, गुरु जी कैसा लग रहा है? हम कहा कथा में मत पूछो, बोले ऊपर ही देखते रहना पड़ता है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सब लोग जितने लोग बैठे भैया, दूसरे दिन सिया राम मैं सब जग जानी भैया पानी। सबको सीताराम।
कम समय में ज्यादा काम करना है। एक जने हमसे पूछ रहे थे, इतने कम टाइम करना, कम से कम 5 दिन तो करते। उनका बात सही है आपकी, लेकिन हमें ज्यादा जगह जाना है, अपना काम रस पिलाना है, डूबना तुम्हारा खुद का काम। बीड़ी पीने वाली क्या करती, बीड़ी जानते हो? बीड़ी पीने वाले कभी भी बिंडल नहीं रखते, जो पिलाना जिन्हें सिखाना होता है, एक बार लो ले, बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक है। अरे कुछ नहीं, अच्छा है, पेट साफ रहेगा। 2-3 दिन तक वो थोड़ा थोड़ा पिलाते, उसके बाद में फिर पिलाने वाला जानता है कि इसे एक बार आदत लग जाए तो यही हमको पिलाएगा। तो फिर जैसे ही आदत लग गई तो वो फिर जेब में डाल के ही चलता है, भले ही माता पिता से कुट पिट करके रुपया लेकर के बिंडल खरीदे, लेकिन जो सिखाता है उसे जरूर पिलाता, क्योंकि वो गुरु है। अब आप ही ने तो सिखाई है, ले लो। तो पिलाने जो सिखाने वाले चतुर होते हैं वो जानते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। अच्छा, गुरु कभी भी नदी में डूबता नहीं है, गुरु की आदत है वो किनारे पर खड़े होकर के इशारा करता है, ऐसा करो तो ऐसा होगा, क्योंकि वो अनुभव पूर्ण होता है। ऐसे ही सन्यासी बाबा हैं, उनकी प्रेरणा है कि वो कथा के रस के द्वारा तुम्हें हनुमान जी का रस पिलाना सिखा रहे हैं। और आप एक बार रस पी करके जहां तृप्त हुए और जहां आपको आनंद आना प्रारंभ हुआ, आप अपने आप आनंद खोज लोगे। गुरु आनंद खोजने का रास्ता देता है, चलना तुम्हें खुद पड़ता है। ऐसे राम राज्य के नायक श्री हनुमान जी, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हनुमान जी पर चर्चा करनी ही चाहिए। हनुमान जी पर अगर आपके जीवन में बुरा ना मानना, आपके जीवन में अगर हनुमान जी नहीं है तो कुछ नहीं। अच्छा एक बात और, हनुमान जी हैं तो तुम हो, नहीं तो तुम भी नहीं। अब कोई तार्किक आदमी कहे, कैसी उल्टी बातें बोल रहे गुरु जी, सही सही बोल रहे, सीधी सीधी। हनुमान जी का अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नाम है। अच्छा पवन का मतलब क्या होता है? हवा। हवा तुम्हें ना मिले तो तुम्हारी हवा खिसक जाएगी, अगर हवा ना मिले तो हवा खिसक जाएगी। और जिन्हें हवा ना मिले 1-2 मिनट, अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाती है, कैसे ही मोटे ताजे हो हवा खिसक जाती है। तो हवा के बिना व्यक्ति का जीवन नहीं है, उसी प्रकार हनुमान जी पवन पुत्र हैं, हनुमान जी के बिना भी व्यक्ति का जीवन नहीं है।